देखो मैडम कि जो सर्वे ये लोग जो करवाए जो सर्वे कराए उसके लिए हम लोग का मनाही नहीं है, लेकिन ये सर्वे के लिए कम से कम 20-25 दिन का ये लोग ने टाइमिंग देना चाहिए। आज समझो ये घर मेरा है, घर में मैं किधर खुद खड़ा नहीं है और आप सर्वे करके निकल जाएंगे तो बेचारा वो बेघर हो गया, तो उसके लिए कोर्ट के लिए और जनता के लिए, जनता के वजह से मैं सब बोल रहा है कि जो सर्वे अपना का आपको करना है तो ज़रूर कीजिए, लेकिन 20-25 दिन का टाइमिंग दे के करें। और सोसाइटी की अथॉरिटी नहीं, वो तो बराबर है, धमकी तो दे रहा है। क्यों मालूम है कि जो सर्वे आप करवा रही वो सोसाइटी को ना लेटर ना कुछ, सोसाइटी को बिना इंतजाम किए हो रहा है। सोसाइटी को आपको सर्वे करना है तो सोसाइटी को बुला के आप बातचीत कीजिए और सोसाइटी का राय ले कि आप वो सर्वे कीजिए ना। तुम्हारा मन से अभी 25 तारीख को नोटिस लगाया कि 26 को सर्वे हो रहा है, 27 को रात को नोटिस लगाया, 30 तारीख को सर्वे हो रहा है। ये तो देखो मैं वही तो आपको बोला ना कि मेरा घर ये खुद का घर है, तो वो घर में मैं खुद इधर नहीं किधर बाहर गाँव गए, कोई गाँव गया किधर और इधर उधर कुछ काम के लिए गए, और आप वो उसके लिए जिम्मेदारी कौन रहेगा। सर्वे तो जरूर कीजिए कोर्ट का, उसके लिए हम लोग मनाही नहीं करेंगे, लेकिन पब्लिक का राय लेके सर्वे कीजिए। कितने घर है सर आपके यहाँ से? कम से कम अभी 3000 के ऊपर घर है, 3000 के ऊपर घर। और यहाँ पर अभी तो हम लोग बिल्कुल सर्वे होने नहीं देंगे, क्योंकि पिछले सरकार ने यहाँ पर 315 का एरिया मंजूर किया था। अभी नई महाआघाड़ी की सरकार ने पहले ही दिन मंत्रिमंडल के बैठक में उन्होंने यहाँ पर 500 का कारपेट एरिया देने का घोषित किया है। जब तक उसका जीआर आता नहीं तब तक यहाँ पर कोई सर्वे कोई भी शासकीय काम हम लोग होने नहीं देंगे। उसके लिए कुछ भी होगा तो उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन, माड़ा, एसआरए और जो भी है उसके कंसल्ट डिपार्टमेंट वो रहेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर हमारे लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिलती है, 500 का कारपेट का अगर घर मिलता है तो वह हमारे लिए बेहतर है। और उसके बीच अगर कोई दलाल आके अगर ऐसा चोरी छुप के हमारा सर्वे करके हमारा फाइल सबमिट करके किसी को अगर बेचना चाहता है तो उसका मंसूबा हम लोग यहाँ पर सफल होने नहीं देंगे। हमारी जनता हमारे साथ में है, यहाँ के लोक प्रतिनिधि हैं वो भी हमारी कोई मदद नहीं करते। आज पिछले 2 साल से हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ में आके कोई खड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि ये जनता को ही वो लोग दलाल और चोर बोल रहे। हम लोग दलाल है क्या? हम जनता में आकर अगर जनता की बात उजागर करते हैं तो जनता की बात उजागर करने वाला चोर होता है क्या? जनता की बात उजागर करने वाला दलाल होता है क्या? दलाल ही तो वो लोग कर रहे जो हमारे बीच में हमको आके दलाल बोलते हैं, वो बिल्डरों की दलाली करते हैं। वो अभी संभल जाए और संभल कर ही बात करें इसके आगे। अभी जनता उनके खिलाफ में उतरी है, जनता का आंदोलन चलता रहेगा। सभी लोग हमारे साथ है, सोसाइटी के हर एक जनता हमारे साथ है। ऐसा है 2-2.5 साल से जो नोटिस चिटका रहे, 2 दिन का टाइम दे रहे, 1 दिन का टाइम दे रहे हैं। आज हम वही गुजारिश उनसे करते थे कि भाई 1 महीने का या तो 15 दिन का टाइम दो और हर एक सोसाइटी में लोगों को हमको इतला करने दो, हमको जानकारी देने दो। लेकिन अभी परसों के दिन हम जो कलेक्टर ऑफिस में गए थे, कलेक्टर ऑफिस से हमको ऐसा मालूम पड़ा कि एक कोर्ट मैटर है और कोर्ट के वजह से, कोर्ट के आदेश से हम लोग सर्वे करना चाहते हैं, तो इसका मतलब उनके ऊपर भी दबाव है। तो वही हम चाहते हैं कि जो पब्लिक के बीच में आप आओ और पब्लिक के बीच में आप बताओ कि सर्वे क्यों हो रहा है और कौन करवा रहा है, इसके पीछे कौन है। हाँ, ये जब तक खुलासा नहीं होगा तब तक यहाँ पे कौन सा भी सर्वे या कोई भी हम काम होने देंगे नहीं। ये हम जनता की तरफ से आपको गुजारिश करते हैं।